आज लगभग 985 दिन हो गए हैं ऑल J&K लेक्चरर्स कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 फोरम के जितने भी सदस्य हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए। 985 दिन, 365 दिन का एक साल होता है, तो लगभग आप मान के चलें कि 2 साल से ज़्यादा दिन हो चुके हैं इन लोगों को इसी टेंट के अंदर लगातार प्रदर्शन करते हुए। बारिश आई, तूफान आया, गर्मी हुई, सर्दी हुई, हर मौसम इन्होंने यहाँ पे सहन किया है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इन लोगों के बारे में नहीं सोच रही। अगर मैं 985 दिन की बात कर रहा हूँ तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा और PDP की सरकार भी देखी। भाजपा के 25 MLA जो कि जम्मू की बात करने वाले थे, इन लोगों के अब तक नहीं पहुंच पाए। अगर पहुंचे भी तो तस्वीरें खिंचवा के यहां से चले गए। और अगर PDP की बात करें तो PDP को तो जम्मू नजर ही नहीं आता, उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ही उनका एजेंडा है, वो उनकी अपनी सियासत है। अब बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ समय नहीं आता, कभी जम्मू की तरफ डाइवर्ट, कभी कश्मीर की तरफ डाइवर्ट, तो कुछ जम्मू और कश्मीर में अभी फिलहाल वो अपनी सियासत ही कर रहे हैं। बाकी रही छोटी मोटी पार्टियों की, वो लगातार बात करते रहे हैं जितना उनका अस्तित्व है। अब ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को भी देख चुके हैं, जो पिछले कल जो गवर्नर के पद से यहाँ से ट्रांसफर होकर गोवा चले गए। अब आज से जब 985वां दिन है और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर यहां पर नए नियुक्त हुए हैं, अब देखते हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई है, क्या अब जो जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रेक्चुअल फोरम के सदस्य हैं इनको इंसाफ मिलता है कि नहीं। आपका नाम क्या है? नहीं मिला। आप कहाँ के रहने वाले? सर, मैं डोडा से। अब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं जी सर, एक दिन बाद दिवाली भी है, बिल्कुल, क्या आप अपनी अपील करना चाहें? सर, हमारी उम्मीद थी पहले हुकूमत से, जो PDP और BJP की हुकूमत थी, काफी हमने स्ट्रगल किया उनके पास, ये जो भी मिनिस्टर थे या हमारे जो मिनिस्टर थे उस टाइम के, उनके पास भी हमने किया बड़ा, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, हमें विश्वास दिया था कि हाँ आपका काम कर रहे, तो फिर हुकूमत भी गिर गई, फिर हम देखते हैं यहाँ पे गवर्नर साहब आ गए, गवर्नर साहब हमने अप्रोच किया, तो ये भी मतलब कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने इनको यहाँ पे भेजा था हमारे लिए कि हमारी जो मुश्किलात हैं कि ये उनको हल करेंगे, हम उनमें से हैं कि हमारी मुश्किलात सबसे ज़्यादा है हमारी स्टेट में, लेकिन इन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए कि हम आपका काम जी कर रहे हैं, तो 1.5 साल ये भी रहे, 2 साल ये भी रहे, अब ये हमारी जो स्टेट है, जो आज से पहले हमने देखा 370 का फायदा किसको हुआ, ज़्यादा इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका अपना ये यहाँ पे फायदा उठाया, हमें तो उसमें भी वही हाल है, इसमें भी हमारा यही हाल है। अब हम देख रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आ रहे नहीं, अब इनकी तरफ हम, अब जब हम अपना केस इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इनको वो बात समझ नहीं आएगी, इनको भी टाइम लगेगा। अब हम देख रहे हैं कि हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे कि हमारा ये मसला जो है हल हो जाएगा। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सदी कुमार है। 985 दिन हो गए उत्ते बैठे थे, के थोड़ी अपील है उनते, तुस नवे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आ गए, के तुस अपनी तरफों उनके अगे अपील रखते हो? पहले तो जिस जब PDP और BJP की सरकार थी, हमें पूरी उम्मीद थी कि ये हमारा मसला जो इशू है सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने गवर्नर साहब से, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के पास भी गए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास भी गए थे, लेकिन कहते हैं आज होगा कल होगा, उसके बाद ये गवर्नमेंट ही चलेगी, फिर आगे हमारे नए गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी, तो हमने उनके पास भी अप्रोच लगाई थी, सर हमारा कीजिए, तो बोलता है वो बोल रहे थे कि हमें पहले डॉक्यूमेंट बताओ, हमने डॉक्यूमेंट बताया, उसमें क्लियर कट लिखा था कि दो दो पॉलिसी हमारे लिए बनी हुई है, एक 3 साल की है, एक 7 साल की है, तो हमने कहा कि हमें बेनिफिट दो दो, तो उन्होंने सर ने हमारा जो केस था वो स्टडी किया, उन्होंने इंश्योरेंस किया था कि उन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया था कि आपका मसला मैं हल कर दूंगा, क्योंकि मैं आपका मसला हल करके जाऊंगा, क्योंकि पिछले दिन में हम मिले थे कि बेटा आप घबराओ नहीं, मैं अभी जाने वाला नहीं है, इधर ही हूँ, आप कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन अब जाने वाले भी हैं तकरीबन, अब ऑलमोस्ट उनका टेनर पूरा हो गया J&K से,
तो हम अभी भी उनके पास 3-4 दिन बचे हुए हैं। हम उनसे यही अपील कहता है कि सर आपने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप जाने मैं जहाँ जे एंड के से जाने से पहले आपका ये मसला हल कर जाऊंगा, लेकिन हम उनसे यही अपील करते हैं आपके सर आपके पास 2-3 दिन हैं अभी आपके पास हैं, हम आपकी तरह के आपके ही छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों की तरफ से देखो आपके बच्चे ऐसे होते हम तो क्या हाल होता। तो हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि आपने हमारे पर प्रॉमिस किया था, हम 4-5 बार उनके साथ मिले हुए हैं लेकिन हमें फोन पे भी बात होती है, हमारे सर से बात होती है, वो कहते हैं कि बेटा आपका काम मैंने कर दिया, अब हमें बताओ आपने क्या काम किया, 2-1.5 साल आपने ऐसे वेस्ट किया कि हम और अप्रोच लेते सेंटर मोदी साहब से अप्रोच लेते, लेकिन आप यही कहते थे कि बेटा आप घबराने की किसी के पास जाने की जरूरत मैं हूँ आपका मसला हल कर दूँ, अब हम किसको रोएंगे, गवर्नर साहब को रोएंगे या किसको रोएंगे। तो हम अभी 2-3 दिन हैं गवर्नर साहब से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं गवर्नर साहब हमारा जो इशू है जल्द से जल्द हल कर दो, क्योंकि 2 पॉलिसी बनी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, तो हम गवर्नर से यही अपील करते हैं हमारा मसला हल करके ही जाएंगे। बिल्कुल, आज 985वां दिन है, दिवाली का त्यौहार भी है, परिवार में लोग चाहते हैं मिठाइयाँ लेके जाएं, बच्चों को नए कपड़े लेके दें, तरह तरह के खर्चे होते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर 985 दिन से अपनी डिमांड्स लेके बैठे हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यासिर हयात है। यासिर साहब, ईद हुई, दिवाली, गुरपूरब, सब त्योहारों में आपके जो सदस्य हैं घर में मायूस ही जाते हैं क्योंकि लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये त्यौहार आपके फीके ही निकलते रहेंगे? सर, ये त्यौहार तो तब तक फीके ही है जब तक हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि जो मेन चीज़ है आप देखोगे सबसे पहले जब तक ना जॉब होगा तब तक कोई भी त्यौहार जो है उसमें मज़ा नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने जो स्टेट का हेड है, एक घर का सदस्य जो बड़ा होता है, अगर वही आपको गलत अश्योर करता है, जैसे हमें गवर्नर साहब ने बार बार अश्योर किया कि बेटा हम आपका काम कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है, हमारा काम नहीं हुआ, उसके बदले में इन्होंने क्या किया, काम करने के बदले में इन्होंने क्या किया कि इन मिड सेशन में इन्होंने सारे जो कॉन्ट्रैक्चर लगे हुए थे, जो 1700 लोग जो अपने छोटे मोटे गुजारे से अपना जो फैमिली चला रहे थे वो भी उन्होंने उनसे छीन लिया। आप चलो उनकी तो रोजी छीनी छीनी, उनका जो अर्निंग सोर्स था वो तो गया ही गया, साथ में जो लाखों के बच्चे प्लस टू में पढ़ रहे हैं, 11th-12th में जो पढ़ रहे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, कुछ हायर सेकेंडरीज ऐसी है जहां पे बच्चे 200-200 रुपये पे कर रहे हैं अपने जेब से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की ये बात कर रहा हूं आपको कि 200-200 रुपये बच्चा पे कर रहा है, टीचर जो है वो इंगेज किए गए हैं। आप मेरे को बताओ ये कौन सी गवर्नमेंट है, ये कहाँ का रोल है, ये कहाँ का इंसाफ है? जो बंदे काम कर रहे थे आपने उनको मिड सेशन में क्यों निकाला? जो गरीब बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है आपने उसको क्यों सफर करवाया? आपने वो क्या करेगा? ये बड़ा जेन्युइन इशू है जो कि 985 दिन से ये 10+2 लेक्चरर्स कॉन्ट्रेक्चुअल फोरम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 985 दिन काफ़ी होते हैं, दिवाली देखी, ईद देखी, गुरपूरब देखा, क्रिसमस देखा, लेकिन ये लोग उनके इनके लिए ये त्यौहार सब फीके ही हैं जब तक इनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती। देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नए आए हैं उनसे अब उम्मीदें हैं कि वो शायद इनके बारे में कुछ सोचेंगे। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।